आज मैं आपको सिखाऊंगा सारेगामा पाधा निसा। सारेगामा पाधा निसा कैसे बजाते हैं बांसुरी पर, वो चीज़। तो मेरे पास बांसुरी है ई स्केल की। आपके पास किसी भी स्केल की बांसुरी हो, आप उस पर बजा सकते हैं सारेगामा पाधा निसा। सब पर सेम बजता है सारेगामा पाधा निसा। और तानपुरे के साथ ज़रूर बजाए। तानपुरा मतलब जिस स्केल की फ्लूट है आपके पास, मेरे पास इस स्केल की फ्लूट है, तो मैं इस स्केल का तानपुरा बजाऊंगा, तब उसके साथ सा को मैच करके सारे गामा पाधा निसा उस पर बजाऊंगा। आपके पास जी स्केल है तो आप जी स्केल का तानपुरा चलाएं, मगर बजाए तानपुरे के साथ ही। तो मैं आपको बताता हूँ सारे गामा पाधा निसा कैसे पकड़ते हैं। सा होता है ये सा, इसे हटाया वे, और इसे हटाया गा, और ये पूरा हटाया तो माँ, और ये सारा दबाया तो पा। इसे हटाया धा, इसे हटाया नी, इसे हटाया सा। वापस एक बार और, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। और एक बार मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ सारे गामा पाधा निसा। इस तरीके से बजाया जाएगा सारेगामा पाधा निसा। और बहुत रियाज़ करें सारेगामा पाधा निसा का, बहुत ज़्यादा रियाज़ करें। पूरे दिन में 1 घंटा तो कम से कम बजाया जाएगा सारेगामा पाधा निसा, तभी आपको सारेगामा पाधा निसा बहुत अच्छे से आएगा। बहुत कोशिश करने के बाद, मेहनत करने के बाद, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye, take care.